नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी मलाई की सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए 4 ब्रेड और स्वाद अनुसार चीनी। हमने 1 चम्मच चीनी लिया है, मलाई, घी हमने घर पे ही बनाया है, दानेदार घी है ये। और रबड़ी भी हम घर पे ही बनाए हैं। तो मलाई में हम रबड़ी मिला के इसे मिक्स कर देंगे और साथ में चीनी भी डाल देंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद हम वो मिक्सचर को सारा ब्रेड पे फैला देंगे सब तरफ। इसके बाद इसके ऊपर एक ब्रेड रख देंगे और हमारा तवा गर्म हो गया है। इस पे हम रख के उलट पलट के सेकेंगे घी से ही। इस तरह से हमें सेकना है। पलट के भी हम सेम घी लगाएंगे। ये गरम गरम ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है घर पे। अब सेम तब तक मेरा वो क्रंची हो रहा है, तब तक हम इधर इसमें सेम में मलाई लगा लेते हैं और इसे भी तैयार करके रखते हैं। देखिए हम इधर दिखा रहे हैं, ये मेरा बन के तैयार हो गया है। इसके बाद हम दूसरा फिर डालेंगे और उसे भी इसी तरह से उलट पलट के सेक के निकालना है। इसे मैं पिज्जा कटर से काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रंची रहता है। ये गरम गरम ही खाइएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये हमारा बन गया रबड़ी मलाई सैंडविच। इसे गरम गरम ही खाइए। और दोस्तों मैं आज का टिप्स बता दे रही हूँ। आज का टिप्स है पपाया फेस मास्क। तो सबसे पहले हम पपाया लेंगे यानी कि पपीता और इसे मैश कर लेंगे। इसे फेस पे मसाज करना है 15-20 मिनट तक। तो इसे लगाने से बहुत ही चेहरा ग्लो करता है। और मसाज करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिला देंगे। अब मुल्तानी मिट्टी मिलाने के बाद सीधा पैक लगाना है फेस पे। मुल्तानी मिट्टी से मसाज नहीं करना है, पहले सिर्फ पपीता से ही मसाज करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा बच जाएगा पपीता तो उसमें मुल्तानी मिट्टी मिला करके इसका फेस पैक बना लेंगे और इसे फेस पे सुखाएंगे। पूरा नहीं सुखाना है, थोड़ा सा हल्का सूख जाएगा तो उसके बाद इसे धो लेंगे। तब आप देखिएगा कि आपका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल को दबा दीजिए।